प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज बच्चे हम लोग जो मोशन का जो सीरीज चल रहा है उसी का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग एक्सेलेरेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। और आज बड़ा ही अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि कुछ डाउट थे जो क्लियर हो गए बच्चों। मेरे मन में कुछ डाउट थे वो क्लियर हो गए, तो हल्का फील हो रहा है। और आज हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी अच्छा दिन है क्योंकि एक्सेलेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बच्चों। क्योंकि जो पूरा फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक्सेलेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे अभी बाद में, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो पूरे काइनेमेटिक्स और जितने भी मैकेनिक्स होता है, तो एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़ते हैं बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों बात यह है कि देखिए, एक बार मैं क्या हुआ कि मैं ऐसे ही जा रहा था, ठीक, मैं ऐसे ही रोड में घूम रहा था, तो वहाँ पर क्या देखा, एक बेहतरीन सा मस्त चमचमाता हुआ BMW कार देखा मैंने बच्चों। क्या देखा? BMW कार। तो मेरे मन में ख्याल आया कि उतना अच्छा गाड़ी देखने से, मतलब मन में तो कुछ आए गए बच्चों कि उतना सुंदर गाड़ी देखने से किसी का भी मन भर जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, मेरे पास एक कैमरा था, और कैमरा भी कैसा था, बड़ा स्पेशल तरीके का कैमरा। कैमरा कैसा था, टाइमर वाला, उसमें मैं एक एक सेकेंड में फ़ोटो खींच सकता हूँ, मतलब हर एक सेकंड बाद मैं फ़ोटो खींच सकता हूँ। ऐसा है, मैं टाइमर चेंज कर दूँ तो अलग अलग सेकंड में, मैं हर दो दो सेकंड में फ़ोटो खींच सकता हूँ, और मैं हर 0.5 सेकंड के इंटरवल में, मतलब 0.5 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, तो टाइम मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मेरे पास बड़ा ही स्पेशल कैमरा था जिससे मैं अलग अलग समय पर, मैंने इक्वल इक्वल इंटरवल पर फ़ोटो खींच सकता था। तो मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने अपना कैमरा लेके गया, और अगले दिन जब वो BMW आया तो मैंने उसकी तस्वीर खींचने चालू की हर एक टाइम पे, ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने उसकी तस्वीर ली, ठीक। तो टाइम में जो तस्वीर आ रहा है, समझो यही ये मेरा है बच्चों BMW, देखने में तो बक्सा लग रहा है पर समझो यही BMW बच्चों, ठीक। और T=0 पे मैंने जो फोटो पहले तस्वीर जो खींची मैंने बच्चों, तो ये तस्वीर आई, उसके बाद फिर मैंने एक तस्वीर खींची, तो फिर वो यहाँ आया T=1 सेकेंड पर, और T=2 सेकेंड, मैंने हर एक सेकेंड पे फोटो जो खींचा बच्चों, तो यहाँ पर आया, फिर यहाँ, और फिर यहाँ आ गया, ठीक, ये हुआ बच्चों। फिर मैंने क्या किया, मेरा मन चेंज हो गया, फिर मैंने क्या किया बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने जीरो पे खींचा, मैं फ़ोटो जैसे खींचते जा रहा हूँ, तो क्या हुआ, गाड़ी तो चल रहा है बच्चों, तो गाड़ी का जो डिस्टेंस आया बच्चों, यहाँ से यहाँ की दूरी जो आई, ये कितनी आई, एक सेकंड में बच्चों कितना आया, मैंने क्या पाया कि ये 20 मीटर चल चुका है बच्चों। एक सेकंड बाद जब फोटो खींचा तो मैंने देखा कि रोड में वो 20 मीटर चल चुका है, फिर मैंने देखा तो फिर देखा कि मैंने वो 20 मीटर चल चुका है, फिर मैंने देखा तो फिर देखा 20 मीटर, तो हर एक सेकंड में क्या देख रहा हूँ कि 20 मीटर जा रहा है, फिर एक सेकंड बाद फिर 20 मीटर, फिर ऐसे हो बच्चों। तो मेरा मन में आया कि ये तो टाइम तो इक्वल है बच्चों, टाइम कितना हो रहा है, हर एक सेकंड के बाद फोटो खींच रहा हूँ, तो इक्वल टाइम में ये डिस्टेंस कितना कर रहा है, इक्वल, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, मेरे मन में ख्याल है कि ये आखिर ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, तो ऐसे मोशन के लिए एक नया टर्म आता है बच्चों, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चों कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब लेते हैं तो उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मैं लिख देता हूँ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ये होता है बच्चों, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल मतलब यहाँ पे मैंने एक एक सेकेंड लिया बच्चों, अगर यदि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो टाइम इंटरवल आप अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि टी मैंने कितना लिया, टाइम इंटरवल मेरा कितना है 1 सेकेंड, कि हर एक 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 सेकेंड में फ़ोटो मैं खींच रहा था, ठीक। तो यहाँ बच्चों स्पीड क्या होता है, जो यूनिफॉर्म मोशन वो स्पीड आपका कॉन्स्टेंट होता है, तो स्पीड यहाँ पर कितना है बच्चे, देखिए कि हर एक सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 20, तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये बात है। तो हर एक सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, तो अब मैं क्या करता बच्चों, अब मैं टाइम जो इंटरवल है उसको क्या कर रहा हूँ, टाइम इंटरवल अलग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ 0.5 सेकंड में मैं देखना चाहता हूँ, ठीक। तो अब हर 0.5 सेकंड में मैं उस कार की तस्वीर लूँगा बच्चों, हर 0.5 सेकंड में, तो जब तस्वीर में लूँगा तो फिर कैसा आएगा, तो
कार आपको कुछ यहाँ दिखेगा, फिर आपको यहाँ दिखेगा, फिर आपको यहाँ दिखेगा, फिर आपको यहाँ दिखेगा। और डिस्टेंस कितना होगा बच्चों इस केस में जो ट्रेवल होगा, क्योंकि एक सेकंड में चल रहा है 20, तो यहाँ आएगा 10 मीटर, यहाँ फिर आएगा 10 मीटर और यहाँ आ जाएगा 10 मीटर। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस मतलब टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम यहाँ 0.5, यहाँ 1 सेकंड है, ये है 1.5 सेकंड और ये है 2 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि हमने 0.5 सेकंड का इंटरवल लिया है, हर 0.5 सेकंड के बाद मैंने फोटो खींची तो डिस्टेंस बच्चों 10 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे जो बात है बच्चों, जो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल लेने से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब एक और तरीके से कह सकते हैं कि इसका स्पीड बच्चों कांस्टेंट होता है, ठीक। ये हो गया इतनी बात। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो उसके बारे में बच्चों हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं, बड़े मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। और आगे फिर अभी और भी डिटेल में समझते हैं बच्चों, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। तो आइए बच्चों हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। गर्मी तो बहुत बेसाह बच्चों, लेकिन गर्मी से क्या घबराना। आपने कभी क्रिकेट देखा हो तो देखा होगा जब प्लेयर्स मतलब गर्मी में खेलते हैं तो हेलमेट जब वो हेलमेट को से दाबते हैं तो पूरा पसीना बाहर आता है, तो फिर भी वो खेलते हैं बच्चों। तो ऐसे ही हम लोग को भी पढ़ते रहना चाहिए, गर्मी तो आते जाते रहता है। तो आइए समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अभी मैंने क्या बताया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब कि उसकी स्पीड बच्चों जो ड्यूरिंग द जर्नी जो हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय उसकी कांस्टेंट है, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है उसका अपोजिट बच्चों कि इक्वल टाइम इंटरवल लेने से इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चलते हैं बच्चों। क्या चलते हैं? अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक। इक्वल टाइम इंटरवल थोड़ा मैं अच्छे इंग्लिश लिख देता हूँ बच्चों, नहीं तो आप बोले सर हिंदी में बोल रहे। इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब कि अगर यदि मैं समझो एक मतलब BMW से अच्छी गाड़ी क्या होती है, लैम्बोर्गिनी, तो लैम्बोर्गिनी समझो जा रही है और मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ तो हर एक सेकंड में यहाँ पर ये क्या है लिख देता हूँ मैं, लैम्बोर्गिनी है बच्चों यहाँ पर, ठीक। और हर एक सेकंड फ़ोटो खींचना चालू किया हमें ट्यूम, तो ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है। पहले सेकंड में ये चल गया कितना 5 मीटर, फिर चल गया 15, फिर चल गया 25। इसका मतलब T=1, T=2, T=3। इसका मतलब क्या बच्चों कि हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, एक सेकंड में 5 चला, उसके बाद फिर जो एक सेकंड और गया तो ये 15 मीटर चल गया, उसके बाद फिर एक और सेकंड में 25 चल गया। तो इसका मतलब कि हर एक सेकंड में वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, समझ पा रहे होंगे आप। अभी ये एक सेकंड में 5 चल रहा है और फिर अब ये जो एक सेकंड अभी जो हुआ है तो इस एक सेकंड में 15 चल रहा है, यहाँ 5 यहाँ 15, उससे और बढ़ गया 25। तो ऐसे क्या हो रहा है बच्चों कि इसकी डिस्टेंस जो है एक ही सेकंड में अब ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है बाद में ये। इसका मतलब ये मोशन क्या है बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है बच्चों तो वहीं से बात शुरू होती है किसकी, एक्सेलरेशन की। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात शुरू होती है वहीं से बच्चा शुरू होती है किस बात की, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन वहीं से बच्चा शुरू होता है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे नेचर में आता। और क्योंकि ज़्यादातर मोशन क्या बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होती है, चलती है, रुकती है, फिर स्पीड होता है, तो वहाँ पर स्पीड बेटा कांस्टेंट नहीं होता है। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर मोशन है हर मोशन में आपको देखने मिलेगा कि मोस्टली एक्सेलेटेड मोशन होता है। और एक्सेलेशन कहाँ से आता है नहीं आता ये सब बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी समझो कि एक्सेलेशन एक तरह का मतलब काइनेमेटिक्स का एक टर्म है जिसको समझना जरूरी है, ठीक। तो आइए हम लोग बच्चों अब थोड़ा एक्सेलेशन समझेंगे आखिर क्या है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग अब समझते हैं आखिर एक्सेलेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों कि कैमरा मेरे पास तो था ही, आपको पता है कि हमने तो कैमरे से बहुत सारे फ़ोटो खींचे, BMW के खींचे अभी और लैम्बोर्गिनी के भी, लेकिन बच्चों उन सब का मुझे इंटरेस्ट आया नहीं, मैंने कुछ अलग सोचा। क्या सोचा मैंने बच्चे, एक जो है छोटा सा बॉल लिया, जैसे कि समझो ये बॉल है, उसको मैंने गिराया, ठीक, इसको गिराया और उसकी मैंने तस्वीर खींचने चालू की, इसको गिराया मैंने, इसकी तस्वीर खींचने चालू की हर एक सेकेंड पर।
मेरा मन किया कि मैं आखिर इसको आज समझ ही लेता, आखिर ये इसकी स्पीड क्या है और ये कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरा जिज्ञासा हुआ। तो मैंने फ़ोटो खींचना चालू की। तो क्या हुआ बच्चों कि टी इक्वल टू जीरो, जब मैंने घड़ी स्टार्ट किया, मैंने टाइमर था मेरा, जो पहला फ़ोटो खींचा मैंने 0 सेकंड पे, जो मैंने तस्वीर ली तो वो यहाँ पे था, ठीक इस जगह था कहीं, यहाँ पे था, ठीक। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ये मेरा जीरो डिफरेंस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ बच्चों, और हर एक सेकंड फ़ोटो खींचा मैंने टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, फिर मैं देखा कि ये यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक। और ये डिस्टेंस बच्चों कितने, 5 मीटर। फिर मैंने एक और सेकंड बाद खींचा टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो फिर देख रहा हूँ कि यहाँ आ गया बच्चों, कितना आ गया, 15 मीटर। फिर एक और सेकंड बाद मैंने फ़ोटो खींची, फिर यहाँ आ गया, ये कितना आ गया, 25 मीटर। फिर एक और सेकंड बाद फ़ोटो खींची बच्चों, आज मेरा मन था कि मैं फ़ोटो खींच के रहूँ हर एक सेकंड पर, और इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर से गिरा, बोले इतने डिस्टेंस पर बच्चों, मैंने चला गया ऊपर एकदम अपने बेटा, क्या बोलते हैं बिल्डिंग 14 फ्लोर ऊपर, एकदम सबसे हाई टावर पर खड़ा होकर वहाँ से गिराया, और नीचे से फ़ोटो खींचे जा रहा हूँ, समझो ऐसा है, ताकि ये इतना मीटर नीचे गिरना भी तो चाहिए, को ऊपर से फेंकना होगा। 4 सेकंड बच्चों जो आया 35, ठीक। उसके बाद ये पहुंच गया ग्राउंड, ये बच्चों ग्राउंड, उसके बाद और कहीं गया ही नहीं, इतनी फ़ोटो मैंने खींच पाया, ठीक। तो इस दौरान क्या बच्चों कि देखो, अब मेरे मन में सवाल है, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में ये 5 चल रहा है, फिर अगले सेकंड में 15 चल रहा है, और ये 25, और फिर बाद में 35 चल रहा है, ठीक। तो मैं टाइम ठीक से लिखता हूँ, ये 1 सेकंड पर है, ये 2 सेकंड वाला है, ये 3 सेकंड पर फ़ोटो खींचा गया, 0, 1, 2, 3, और ये 4 सेकंड बच्चों, तो 4 सेकंड में यहाँ पहुँच गया ये, ठीक। इतनी कहानी हुई। तो टाइम बच्चों क्या हो रहा है कि पहले सेकंड में कितना आ रहा है, ये 5 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे एक एवरेज स्पीड क्या हो सकता है कि 1 सेकंड में 5 चल रहा है, कितना चल रहा है 5, तो 5 मीटर पर सेकंड में कह सकता हूँ, मोटा मोटी में ले सकता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ बच्चों यहाँ भी 1 सेकंड हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, मैंने डिस्टेंस बताया था स्पीड के, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, 15 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 15 चला और 1 सेकंड में चला, ठीक। यहाँ पे वैसे लिखता हूँ मैं 25 मीटर पर सेकंड बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 25 चला और 1 सेकंड में चला, और यहाँ मैं लिख देता बच्चों 35 मीटर पर सेकंड, ठीक। इतना लिखा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 5, 15 कुछ, मैंने कुछ रिलेशन मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे क्या किया मैंने, मैं इनका डिफरेंस निकाला, यहाँ क्या निकाला, इनका भी डिफरेंस निकाला, आखिर 1 सेकंड में कितना ये बदल गया, ये 5 से 15 हो गए, मतलब इसमें 10 का बढ़ोतरी हुआ, 10 उसमें बढ़ गया है, तो इसका डिफरेंस जो निकाल रहा बच्चों, ये कितना आ रहा है, 10 मीटर। इसका क्या आ रहा है डिफरेंस, 10 मीटर पर सेकंड डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड तो अंतर है, लेकिन ये कब हुआ, ये 1 सेकंड में हुआ बच्चों, तो मीटर पर सेकंड पर सेकंड ऐसा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड, ये पहले तो 5 मीटर पर सेकंड, अब हो गया 15 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कितना हुआ, 10, और 10 मीटर पर सेकंड तो चेंज है, लेकिन ये चेंज कब हुआ, 1 सेकंड में हुआ, तो इसलिए 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। एक और बार आएगा, फिर मैंने यहाँ निकाला बच्चों, यहाँ भी चेंज निकाला, तो बड़ा मज़ेदार रिजल्ट है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड तो चेंज है, और वो चेंज 1 सेकंड में हुआ है, और फिर यहाँ पे मैंने देख तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया बच्चों, देखो कि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो एक चीज़ मैंने क्या देखा कि ये तो कांस्टेंट है, ये बदल रहा था, स्पीड तो अलग अलग हो रहा है अलग अलग इंटरवल में, लेकिन इसका डिफरेंस बच्चों, स्पीड का जो डिफरेंस ले रहे हैं पर सेकंड में, ये कांस्टेंट आ रहा है, और ये टर्म ही बच्चों क्या है, इस टर्म को हमने नया नाम दिया, क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन। इस टर्म को हमने क्या नाम दिया बच्चों, ये काइनेमेटिक्स का एक टर्म है, इसका नाम एक्सेलरेशन, और इसकी जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा अभी, तो ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक, ये हो गया एक्सेलरेशन। और उसके यूनिट क्या होते हैं बच्चों, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ऐसे आप इसको याद रखो, क्यों याद रखो,
क्योंकि मीटर पर सेकंड पर सेकंड ऐसे लिखना है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हो कुछ लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, देखो हमने क्या किया कि एक स्पीड और दूसरे स्पीड को डिफरेंस लिया और उसके बाद फिर उसका टाइम से डिवाइड किया है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, मैं यह लिख देता हूँ बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको तो याद रखो, मतलब जिंदगी भर के लिए को याद हो ही जाएगा। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बस कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है बच्चों, और यही इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट लाइन। और यहाँ वेलोसिटी आया है, ये याद रखना, यहाँ पर स्पीड नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो स्पीड के बराबर ही होता है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, अभी हम लोग जो आपके बेसिकली सिलेबस के अंदर वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डे मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा और ये वेलोसिटी होगा वो मतलब सेम ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और इफ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें कुछ होती है, लेकिन अभी आप समझो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। और रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज, जब रेट होता है तो वहाँ टाइम आता है। ठीक है, रेट मतलब टाइम आता है कि टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, तो टाइम के हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, तो वही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का यूनिट ही है क्या है, मीटर पर सेकंड, और इसकी भी चेंज की बात हो रही है टाइम के हिसाब से, तो इसलिए इसमें मीटर पर सेकंड आता है, ये आपको याद रखना है। तो अब थोड़ा समझ में आएगा एक्सेलरेशन, अब हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है, तो एक्सेलरेशन में भी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन, होता है एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस, जैसे कि मैंने वेलोसिटी में बात किया था और जैसे कि हमने स्पीड में भी बात किया था। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, एक होता है बच्चों एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, और आपके सिलेबस में बच्चों यही है, एवरेज एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन की तरह अभी आपको समझना है। ठीक, ये होता क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन की जो मतलब उसको जो डिफाइन होता है, डिफाइन यही होता है बच्चों, क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी, जो टाइम रहता है। ये क्या है कि वी फाइनल मतलब जो वेलोसिटी बाद में आया, और वी इनिशियल मतलब जो वेलोसिटी स्टार्ट में था, और उसको वी इनिशियल से फाइनल के बीच में जो टाइम गया वो डेल्टा टी है बच्चों। ठीक, मैं समझाता हूँ क्या है, देखो समझो, ट्रेन जा रहा है बच्चों, ये ट्रेन अभी ट्रेन स्टार्ट हुआ, अभी टी इक्वल टू जीरो पे। ठीक, तो अभी इसकी वी जो वेलोसिटी बच्चों जीरो है, क्योंकि अभी ये रेस्ट में था। ठीक, ये स्टार्ट हुआ तो अभी रेस्ट में, इसका स्पीड जीरो मतलब इसका वेलोसिटी जीरो है। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे जब आया बच्चों कुछ सेकेंड बाद टी इक्वल टू टू मिनट, दो मिनट के बाद क्या देखा गया कि इसकी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। क्या स्टार्ट हुआ फिर चलेगा, बट रफ्तार बढ़ा रहा अपना, तो अभी यहाँ पे जो स्पीड है इसकी वो कितनी बच्चों, वो है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये दिया हुआ है, इनिशियल इतनी है बच्चों और फाइनली हो गया इतना दो मिनट के अंदर। ठीक है, और स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड उस तक बढ़ रहा है घट रहा है हमें नहीं मालूम, ये उस तक गया थोड़ा स्लो हुआ हो फिर बढ़ा फिर इतना, लेकिन बच्चों जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या है कि इनिशियल और फाइनल बीच में कैसा क्या हुआ हमें नहीं लेना देना, बस हमें इनिशियल और फाइनल लेना है और टाइम का ध्यान रखना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल क्या थी, और दोनों के बीच में आखिर टाइम क्या था, फिर टाइम कितना लग गया। तो यहाँ से बच्चों आता है एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं निकाल देता हूँ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी बच्चों, वी फाइनल, वी फाइनल कितना मेरा 54 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों एक मैं चीज़ यहाँ लिख देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में जब जाएंगे, हम लोग एसआई यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदल जाता है, तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखना बच्चों। ठीक, एक चीज़ ये होता है, और एक क्या होता है, अगर यदि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और आपको वापस जाना है, आपको किस में जाना है, यदि किलोमीटर पर आवर उस यूनिट में लाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर पर सेकंड वाले को। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसको मैं मीटर पर सेकंड में करना चाहता हूँ बच्चों। तो मीटर पर सेकंड क्या करना है, मस्त इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 5/18 × 54, तो ये 18 × 54 चला गया, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो फाइनली अभी वी कितना है, ये किलोमीटर पर आवर, लेकिन एसआई में बच्चों 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो अब वी फाइनल कितना बच्चों, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये याद रखना है, बाय डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो यही हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों यहाँ आ गया, तो वी अब क्या है मेरा 15, इनिशियल क्या है 0, टाइम कितना बच्चों, टाइम है मेरा 2 मिनट, और 2 मिनट का टाइम है तो टाइम को भी एसआई में करना है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चों तो यूनिट्स को पहले ध्यान रखना, सबको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाके आप मतलब उसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा और फिर अलग से टेक केयर करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए अलग से ऑलरेडी वीडियो हमने चैनल पर डाला है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि जब भी न्यूमेरिकल या कुछ भी रहे तो उसमें एसआई यूनिट में सबको लाना है और फिर सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो 2 मिनट है, 2 मिनट को हम लोग सेकंड में करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 60 सेकंड, ऐसा यूनिट में ये हो जाएगा 120 सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे 120 डाल देता हूँ, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 15/120, इसका मतलब ये है लगभग 1/8, और ये मीटर पर सेकंड पर सेकंड, या नहीं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते, मतलब हर सेकंड में ये हो रहा है 1/8 वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है बच्चों, ऐसा कर सकते। तो यही हुआ एवरेज एक्सीलरेशन, यहाँ लिख देता हूँ एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक, और एक चीज़ होता है बच्चों, जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में बोल रहा था वो क्या होता है, किसी टाइम पे उसकी क्या एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन भी बदल रहा है, स्पीड तो बदल ही रहा है साथ में बच्चों एक्सीलरेशन भी बदल रहा है। ठीक, तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है और उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि जो हमारा सिलेबस का जो रेंज है बच्चों, जो आप लोगों के लिए, तो उसी मतलब उसी लेवल पे चीज़ों को रखते हैं। और एवरेज एक्सीलरेशन आपको समझ में आएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उससे कुछ सवाल और हम लोग देखते हैं बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मतलब एक ही बार में आपको है समझ में, हो सकता आए या नहीं भी आए, लेकिन आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। हम लोग कुछ सवाल करेंगे बच्चों तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा, तो हम लोग कुछ सवाल करते हैं कि एक्सीलरेशन कैसे निकलता है ये जानना भी जरूरी है, और उसका थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कि एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है और मीटर पर सेकंड पर सेकंड, ये याद रखना है कि मतलब हर एक सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, उससे आपको एक्सीलरेशन मतलब पता चलेगा। तो आइए बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन का मतलब बच्चों उसको समझते हैं। एक्सीलरेशन जो होता है, क्योंकि वेलोसिटी देखिए बस आसान होता है, वेलोसिटी में क्या होता है कि जैसे कुछ पार्टिकल यहाँ से जा रहा है इधर, ठीक, तो पार्टिकल का जिधर मोशन हो रहा है वेलोसिटी किसी पॉइंट में पूछा जाए तो वो क्या होगा, इधर ही है। ठीक, तो जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है वेलोसिटी उधर ही होता है, ये तो समझ में आता है, क्योंकि ये आपको दिखता है, ये फील होता है कि वेलोसिटी इधर ही जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन जो होता है बच्चों वो एक्सीलरेशन थोड़ा फील से समझना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज से समझना होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का डिफाइन यही होता है, एक्सीलरेशन का मतलब यही है। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा मतलब आपको स्टार्टिंग में अजीब लगेगा कि कैसे वो निकलता है, क्या होता है, लेकिन आप मेरी बात को समझो जो मैं कह रहा हूँ, इस लाइन को हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज से रिलेटेड होता है। क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज, आपको वेलोसिटी का चेंज देखना है तभी आप एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकाल पाएंगे। ठीक, तो मैं अभी स्ट्रेट लाइन में जो होता है, बाद में आपको समझ में आएगा कि एक्सीलरेशन और क्या क्या होते हैं, जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ी और जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या बच्चों, जब मैं बता रहा हूँ और ये आपको मतलब एक्सीलरेशन बाद में भी काम आएगा कि कैसे एक्सीलरेशन निकलता है। एक्सीलरेशन के लिए क्या बच्चों, अभी स्ट्रेट लाइन मोशन समझते हैं। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक, 1D मोशन जब पढ़ाऊँगा मैं इसके बाद तो उसमें और क्लियर से बताऊँगा, अभी समझो कि क्या है कि जब एक्सीलरेशन की बात आती है तो क्या होता है, वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है। तो वेलोसिटी अभी क्या है बच्चों, मैं कहता हूँ कि कोई एक यहाँ पे पार्टिकल जो है वो मोशन में, ठीक, तो इसमें क्या अभी वेलोसिटी कितना है, अभी ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक, अभी वेलोसिटी इतना है, और कुछ समय बाद क्या है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, ये मेरे को पता करना है इस मोशन में। तो यहाँ क्या है कि रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, तो स्पीड क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड, बाद में कितना हो गया बच्चों, ये भी फाइनल, बाद में कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10 से 20 हो गया तो इंक्रीज हुआ है। तो जब लिखता हूँ मैं, जब वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अलोंग द डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में, जिधर स्पीड होगा, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में होगा। एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज, यहाँ पे ये छूट गया, विथ टाइम लिख लो, एंड वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम एक्सेलरेशन, ऐसे नहीं लिखना चाहिए बच्चों, यहाँ लिखना चाहिए, क्या लिखो, यहाँ लिखो कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ठीक, द वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी। और बच्चों ये सब लाइन नोट डाउन कर लो, बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको मतलब बहुत जगह मिलेगा नहीं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को, मैं चाहता हूँ आप लोग नोट डाउन करें, जो अच्छे सिंसियर बच्चे हैं वो कुछ कुछ चीज़ों को नोट डाउन करते रहो, ताकि आप बाद में कभी पढ़ो तो फिर से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या मैंने लिखा है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकलेगा कैसे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फीलिंग से मत निकालना हमेशा, आप हो सकता है गलत निकाल लें। आप वेलोसिटी देखो पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड है और बाद में 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या हुआ, टाइम से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है चेंज, तो वो उसके डायरेक्शन, जब वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग ही एक्सेलरेशन है बच्चों, ठीक। तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब क्या होता है बच्चों देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि अभी ये 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, ये दूसरा केस ले रहा हूँ, ये मेरा केस वन था, अब केस टू है, देखो केस टू है, यहाँ पे क्या 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक, जीरो मतलब जब स्टार्टिंग में, बाद में क्या हुआ कि अभी भी ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन अब ये 5 मीटर पर सेकंड से, तो इस केस में डायरेक्शन क्या होगा कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, पहले 10 था अभी 5 हो गया, तो वेलोसिटी कम हो रहा है, तो चेंज क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब सर कि एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बच्चों, तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में क्योंकि ये इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जिधर जाता है वेलोसिटी उधर ही होता है, लेकिन एक्सेलरेशन वो चेंज इन वेलोसिटी से डिफाइन होगा। इसका मतलब यहाँ पर लिख लो जो मैं लिख रहा हूँ, व्हेन, ऐसे लिखो बच्चों, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम से बच्चों जब टाइम बीत रहे है और डिक्रीजेज विथ टाइम वेलोसिटी, देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट, क्या भाई, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसा लिखो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में थोड़ा दो ही डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो, दो डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन है उसमें दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में,
तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। एक्सीलेशन डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि स्पीड कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है बच्चों। जब वेलोसिटी कम होता है तो एक्सीलेशन उसके अपोजिट होता है। इतनी बात आपको समझ में आएगी कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलेशन उसी डायरेक्शन में, और जब वेलोसिटी कम हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो आपको यह समझ में आएगा कि एक्सीलेशन का डायरेक्शन कैसे निकलता है, कि आपको देखना है कि स्पीड टाइम टाइम के हिसाब से वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी हिसाब से एक्सीलेशन डिपेंड करेगा और वहीं से बच्चों निकलता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक। आप समझो कि जैसे देखा होगा कि कोई चीज़ ये है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, फ्री फॉल में क्या होता है बच्चों, इसमें भी एक्सीलेशन होता है और टाइम के हिसाब से इसका स्पीड बढ़ता है, इसका मतलब इसका एक्सीलेशन नीचे की ओर होता है, ठीक। तो बहुत जगह बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपको समझ में आया कि डायरेक्शन एक्सीलेशन का मतलब 1D मोशन में आखिर डायरेक्शन किधर होता है। आपको ये दो लाइनें याद रखनी कि जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो डायरेक्शन सेम, जब वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सीलेशन का डायरेक्शन अपोजिट। जैसे आप समझो कि आप मैं बाइक में जा रहा हूँ, ठीक है, तो बाइक में जाते हो स्पीड में, आप क्या करते हो बाद में फिर जैसे ब्रेक दबाते हो, तो ब्रेक दबाने से क्या आपका स्पीड धीरे धीरे कम होता है। आपका स्पीड तो आगे की ओर ही होता है, बाइक तो आपका आगे ही जा रहा है, लेकिन आपका धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलेशन आपका पीछे की ओर है। जब आप ब्रेक लेते हो क्या होता है, बाइक थोड़ा आगे जाता है लेकिन वो रुकता है, लेकिन मतलब उसका वेलोसिटी कम हो रहा है बच्चों, तो एक्सेलेशन पीछे की ओर है। और जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं, जब आप उसको एक्सीलेट करते हैं, तो उस समय आपका स्पीड भी उसी डायरेक्शन में और स्पीड आपको बढ़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जब बाइक आप स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे तो एक्सीलेशन और जो वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, और वेलोसिटी बढ़ता है इसीलिए वो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। जब आप रोकते हैं ब्रेक लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल दिया बच्चों, अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं और फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो है बच्चों, एक सवाल लिया हूँ, उसमें एक्सीलेशन निकाला। देखिए क्या, ए बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलेशन ऑफ द बस, ठीक है। तो एक्सीलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एक बस ने डिक्रीज किया, पहले था 80, बाद में हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, 5 सेकेंड टाइम हो बच्चों, तो एक्सीलेशन क्या होगा। मैंने बताया बच्चों यहाँ पर एक्सीलेशन क्या है, वो एवरेज एक्सीलेशन है, ठीक। तो एक्सीलेशन जो होगा, एक्सीलेशन क्या है बच्चों आपके लिए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी, जो टाइम लगा बच्चों, डेल्टा टी इज द टाइम, टाइम कितना लगा। तो वी फाइनल मेरा क्या है बच्चों, सोचो वी फाइनल दे रखा है 60, ये बाद में है, मतलब ये वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड अभी सेम ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या बच्चों, जो वेलोसिटी स्पीड होगा, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, इसका मॉड लेंगे, ये क्या होगा, स्पीड के बराबर होगा बच्चों, अगर यदि स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उस केस में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है, तो वही यहाँ पर स्पीड बच्चों हो रही है, 1D मोशन है, सिंपल सी बात, स्ट्रेट लाइन में जा रहा कार, इसीलिए जो बस है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी का मॉड स्पीड है, तो आपको घबराना नहीं, यहाँ पर वी मतलब स्पीड ही डालना है। तो यहाँ पर डालना क्या बच्चों, वी फाइनल हो गया 60, ठीक, माइनस वी इनिशियल 80, और ये क्या बच्चों, यूनिट डालना है किलोमीटर पर आवर, ठीक, ताकि यूनिट ना गड़बड़ा, या तो आप इसको SI में कर लो पहले, मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड, और टाइम ऑलरेडी सेकंड में, या नहीं तो क्या करो जैसे मैं कर रहा हूँ, बाद में अपन करेंगे, पहले इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहते, और यहाँ 5 सेकंड, ठीक। तो अब क्या हो बच्चों, ये सेकंड है, यूनिट भी लिख लो, ये हो गया -20, और यहाँ पे 5 आ गया। अब इसको काटना मत गलती से, क्यों नहीं काटेंगे सर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर, अभी इसको पहले कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में है, यूनिट से खिलवाड़ नहीं, ऐसा यूनिट में। तो यहाँ -20 इंटू किलोमीटर पर आवर को करना है किसमें, मीटर पर सेकंड, क्या बताए थे, 5/18 इंटू 5 बच्चों, ठीक, और ये अब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या आ रहा है, ये कट गया, ये हो गया -5, ये आ जाएगा, ये कहता हूँ -10/9, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यही हो गया बच्चों एक्सीलेशन, वो माइनस आ रहा है, इसका मतलब, माइनस मतलब क्या है बच्चों, कि जिधर स्पीड का डायरेक्शन है बच्चों, मतलब स्पीड तो आगे है लेकिन एक्सीलेशन पीछे की ओर है, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है, और स्पीड जब कम होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है बच्चों, मैंने क्या बोला कि एक्सीलेशन उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वही यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है,
इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। और ये उसका वैल्यू है। तो बच्चों लास्ट में क्या है कि एक टर्म बचा हुआ उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपको कोई मतलब ये टर्म हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो कब कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो रहा है? मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि यूनिफॉर्म मोशन कब बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब स्पीड कॉन्स्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी जब कॉन्स्टेंट होता है बच्चों, तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन मैंने बोला था। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कंडीशन है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? स्पीड कॉन्स्टेंट होना चाहिए, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड, स्पीड कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा? जब एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। वेलोसिटी चेंज क्या होता है समझो? तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैं अगर वेलोसिटी निकालूं हर एक टाइम इंटरवल पर, जैसे मैंने पहले वेलोसिटी निकाला था, ठीक है, फोटो जब खींचा था मैंने, तो जब अभी मैं अगर यदि वेलोसिटी निकालूं अलग अलग टाइम पे, ठीक, अलग अलग टाइम इंटरवल में से एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड बाद की वेलोसिटी क्या क्या आ रहा है, तो वो यदि इक्वल चेंज हो रहा है तो वहाँ यूनिफॉर्म कहलाएगा। जैसे कि जैसे बच्चों जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, इसमें क्या होता है? कोई भी चीज़ जब फ्री फॉल होता है तो उसका एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट होता है, मतलब कितना होता है? लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि हर एक सेकेंड बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर यदि जीरो है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, कुछ एक सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10, तो बाद में 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर एक सेकेंड बाद कितना होगा बच्चों? फिर 10, तो 10 और बढ़ जाएगा, अभी 10 है, और एक सेकेंड बाद फिर 10 बढ़ेगा, तो बाद में भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है, एक एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ बच्चों ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाता है, मतलब अजीबोगरीब मोशन होता है, मतलब जा रहा धड़ 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 धड़, कभी 5 मीटर पर सेकंड, कभी 10 मीटर, कभी 20, कभी 25, मतलब हर एक सेकंड में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ एक्सीलरेशन भी कॉन्स्टेंट नहीं होता है, और उसको बोलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सिर्फ नहीं बोलना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बस नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट, बाय नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल है बट यहाँ पे अनइक्वल हो जाएगा, बस यही अंतर है बच्चों। बस आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का याद रखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल ही होता है बच्चों, डिवाइड करते, लेकिन वेलोसिटी भी इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको बच्चों ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो हम लोग अब आगे, अब हमने लगभग अपना जो सारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था, मतलब जो काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए, वो सब हम लोग मतलब समझ चुके बच्चों कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है मोटा मोटी में। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा अब हम लोग 1D मोशन की ओर आए, जो 1D मोशन उसका डिफिनेशन बताएंगे, और फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो मतलब जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारा डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर क्या इक्वेशंस होते हैं, उसके बाद बेहतरीन बेहतरीन सवाल करेंगे बच्चों। मैं गारंटी लेता हूँ आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग उस मतलब उस लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर मतलब इस चैप्टर का मतलब मेन जो थीम है, जो वहाँ से आएगा बच्चों, वहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, और वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होने वाला है, और अभी तक जो पढ़े हैं उसका यूज करने वाले बच्चों। अभी तो हमने बस पढ़ा है, अब यूज होगा आने वाले वीडियोज़ में। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।